नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस रिपोर्ट और इस फोटो में क्या क्या लिखा रहता है और इस फोटो को आप कैसे समझ सकते हैं कहाँ पे क्या लिखा रहता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल में इस फोटो को समझाएंगे और साथ में इस रिपोर्ट को भी समझाएंगे। तो मेरा नाम चंदन कुमार है और हम पिछले 8 साल से अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, पार्ट ऑफ स्कैन मतलब FWB, फीटल वेलबींग मतलब बच्चे का स्वास्थ्य का जानकारी के बारे में इस रिपोर्ट में दिया हुआ है। एज है पेशेंट का 22 ईयर्स। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल या मल्टीपल, मतलब बच्चा एक है या दो है, तो इसमें सिंगल है। सिंगल आप ये सोचेगा कि इसमें सिंगल कहाँ पे है, लेकिन इस फोटो में आपको सिंगल नहीं पता चलेगा क्योंकि स्कैन के समय दिखता है कि बच्चा एक है कि दो है, इसलिए इस फोटो में आप नहीं देख सकते हैं। FHR 146 बीट पर मिनट है। बच्चे का नॉर्मल 120 से 160 बीट पर मिनट तक होता है, तो बिल्कुल ये नॉर्मल है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बच्चे का हार्ट बीट है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है 146 बीट पर मिनट। आप अपने फोटो और रिपोर्ट को एक साथ लेके मिला सकते हैं कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इससे साफ पता चल जाता है यहाँ पे ये लिखा हुआ। ये बच्चे का हार्ट यहाँ पे है, हार्ट को नापा गया है और नाप के इससे नापा गया है, यहाँ से यहाँ तक नापने से ये हार्ट बीट पता चल जाता है, यहाँ पे हार्ट है बच्चे का। मूवमेंट एक्टिव है, मतलब बच्चा जिस समय स्कैन हो रहा है तो उस समय आपका बेबी एक्टिव है, इसलिए एक्टिव मूवमेंट सीन लिखा हुआ है। बच्चे का ये लाई लॉन्गिट्यूडनल है और प्रेजेंटेशन सेफेलिक है। सेफेलिक मतलब बच्चा सीधा है, मतलब बच्चे का सर नीचे की ओर है, तो बच्चे का सर नीचे की ओर है। यहाँ पे बच्चे का सर ये दिख रहा है, ये नीचे की ओर है। ये भी अल्ट्रासाउंड का स्कैन करते समय ही बच्चा सीधा या उल्टा दिखता है, फोटो में नहीं लिखा रहता। BPD मतलब होता है बाईपाइलेटर डायमीटर। यहाँ पे देखिए, फोटो में इस जगह पे BPD दिया रहता है। ये बच्चे का हेड है, ये हेड का बीच का भाग ये डायमीटर हो गया, इसी का डायमीटर लिखा हुआ है। HC मतलब हेड का सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस हो गया चारों तरफ, इसका HC हो गया। यहाँ पे ये नाप कर लिखा हुआ 28 वीक, BPD 28 वीक। AC मतलब हो गया एब्डोमेन, मतलब पेट का गोलाई, ये पेट हो गया बच्चे का, यहाँ पे ये पेट का गोलाई हो गया। AC यहाँ पे लिखा हुआ AC हो गया 23.49 सेंटीमीटर, मतलब 27 वीक 6 डे। FL यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे FL है। ये FL का मतलब होता है बच्चे का ये जांग का हड्डी, इसी को नाप के यहाँ पे दिया रहता है। FL हो गया 5.25 सेंटीमीटर, इसके हिसाब से 28 वीक 0 डे आ रहा है। यहाँ पे 28 वीक लिखा रहता है, FL का यहाँ पे देखिए 20 लिखा रहता। ये हो गया बच्चे का जेस्टेशनल एग, मतलब बच्चा कितने दिन का हुआ है, इसके हिसाब से आ रहा है 28 वीक 1 डे। इस रिपोर्ट में यहाँ पे ये पूरे रिपोर्ट का ये बायोमेट्रिकल नोट्स दिया रहता है, यहीं से देख कर रिपोर्ट बनाया जाता है। आप अपने रिपोर्ट का फोटो है उसमें आप यहाँ से या और यहाँ लिखा हुआ है मिला सकते हैं। देखिए क्या कहाँ पर लिखा रहता है, इसमें BPD, HC, AC, FL यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका वीक लिखा हुआ है, यही यहाँ पे लिखा रहता है। जेस्टेशनल एज, बच्चे का एज कितना हुआ, यहाँ पे लिखा रहता है जो 28 वीक 1 डे हुआ, यानी कि ±2 वीक हो सकता है। EDD 14 जनवरी 2026, EDD यहाँ पे लिखा रहता है, मतलब एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी 14/1/2026। फीटल वेट कहाँ पर रहता है, फीटल वेट यहाँ पर रहता है, EFW लिखा रहता है। फिटल वेट यहाँ पे हो गया 11/48, मतलब 1 kg 148 ग्राम हुआ, मतलब ±172 ग्राम हुआ, जो 28 वीक के हिसाब से ये बिल्कुल नॉर्मल है। दोस्तों आप बता सकते हैं कि आपके बेबी का वेट कितना है, कमेंट करके बताइए आपका बेबी का वेट कितना है और कितना वीक हुआ है, हम बताएंगे कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। प्लासेंटा फंडो पोस्टेरियर, मतलब प्लासेंटा पीछे की ओर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लासेंटा लिखा हुआ है ना, प्लासेंटा ये प्लासेंटा है, ये बेबी का ये प्लासेंटा है, यहाँ से दिख रहा है, ये प्लासेंटा लिखा हुआ है जो पोस्टेरियर है, मतलब पीछे की ओर प्लासेंटा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या प्लासेंटा इंटीरियर या पोस्टेरियर होने से बच्चे का जेंडर पता चल सकता है, तो बिल्कुल नहीं, प्लासेंटा पोस्टेरियर हो या एंटीरियर हो, बॉय या गर्ल बिल्कुल नहीं पता चल सकता है, इससे कोई नहीं कह सकता है कि बॉय है या गर्ल है, ये सिर्फ मिथ होता है, लोग झूठ मूठ का ये सब बताते हैं। ये प्लासेंटा हो या
फीटल का ये FHR हो, इससे कभी नहीं पता चल सकता। लाइकर एडुकेट मतलब 13.6 है, मतलब बच्चे के चारों तरफ पानी कितना है उसी का ये नाप के लिखा रहता है। मतलब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 8 से 18 तक नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल है। इम्प्रेशन में समझते हैं क्या क्या लिखा रहता है। सिंगल लाइफ फीटस ऑफ अबाउट 28 वीक वन डे ड्यूरेशन विद एडुकेट लाइकर, मतलब कि एक बच्चा जीवित है जो 28 वीक का हुआ है और लाइकर बच्चे के चारों तरफ का पानी वो एडुकेट है, मतलब नॉर्मल है। एंड सेफेलिक प्रेजेंटेशन मतलब बच्चा नीचे की ओर है, बच्चा सीधा है। एंड प्लासेंटा फंडो पोस्टीरियर विथ ग्रेड 2 मैच्योरिटी, मतलब प्लासेंटा पीछे की ओर है और बच्चे का ग्रेड 2 हुआ है। ये फोटो देखिए, इस फोटो में बच्चे का ये हेड दिखाई दे रहा है और ये बच्चे का नेक है, ऐसे ये बच्चा है, ये बच्चे का ये नीचे का बॉडी हो गया और यह बच्चे का ये ओठ है, ये बच्चे का नाक है। आप अपने रिपोर्ट में देख सकते हैं, कभी कभी किसी इमेज दिया रहता है, ऐसा बहुत ज़्यादा रिपोर्ट में नहीं रहता लेकिन किसी किसी में आपको पता चल जाएगा कि बच्चे का ये फेस कहाँ पे है या नहीं है, दिया रहता तो दिख जाता लेकिन इसमें दिया हुआ है तो इसमें दिख रहा है। तो दोस्तों ये रहा है एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसे आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, जिसपे हम अपने वीडियो का लिंक डालते हैं और उस पर आपको प्रेगनेंसी टिप्स से रिलेटेड उस पर पोस्ट डाला जाता है, तो ज़रूर एक बार जाकर फॉलो कर लें। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।